हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैफ क्रिएशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही अमेजिंग फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की फोटो को मैंने इस टाइप से एडिट किया हुआ है, काफ़ी आसान तरीके से मैंने एडिट किया हुआ है। तो जो भी बैकग्राउंड पीएनजीज की डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऐसे वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पिक्सार्ट के अंदर जो बैकग्राउंड है उसको ओपन कर लिया है, जिसकी डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका मॉडल है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, तो मैं सीधा यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करके उसकी पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। ये रही हमारी पीएनजी मॉडल की, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड अपनी फ़ोटो के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, जहाँ पर आपको बेटर लगे उस टाइप से आपको कर देना। तो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, उसके बाद यहाँ से मैं डन पर क्लिक कर दूंगा। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारा पिक्सार्ट का काम जो है हो चुका है। अब आपको यहाँ से ड्रॉ टूल में जाना है एंड इस फोटो को थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। हमारी फोटो सेव हो चुकी है। अब इस फोटो को यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे एंड बाकी का जो काम है हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ही करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड जो फोटो को हमने यहाँ से सेव किया था पिक्सार्ट के अंदर उसको ऐड कर लेंगे। तो ये रही हमारी फोटो, उस पर क्लिक करेंगे एंड ऐड। तो अब आपको ऑल फोटोज़ पर जाना है एंड आपकी फ़ोटो जो हमारी पिक्सार्ट में सेव हुई थी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर एडिट करना है हमारी इस फ़ोटो को, तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सन का आइकन दिख रहा होगा, लाइट्स का ऑप्शन, या आप सन कहेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो उसकी कंट्रास्ट को हम यहाँ से थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाएंगे, -25। एक्सपोज़र को भी हम माइनस की तरफ लेके जाएंगे, -40 से 30 तक। एंड हाइलाइट्स को हम प्लस की तरफ ले जाएंगे, 44। एंड शेडोज़ को भी हम यहाँ से माइनस की तरफ ले जाएंगे, -10। वाइट्स को हम माइनस की तरफ रख देंगे, इसको भी 10, -10 से 8 तक। ब्लैक्स को कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ये थर्मामीटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है एंड जो फ़ोटो की टेम्परेचर है उसको यहाँ से हम प्लस की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर मैं रहने देता हूँ +18। एंड उसके बाद टिंट को कुछ नहीं करेंगे, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 10 to 15। एंड सेचुरेशन को हम माइनस की तरफ ले जाएंगे, -25 से 30 तक रख देंगे। उसके बाद मिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड जो रेड कलर है उसकी सेचुरेशन को हम यहाँ से थोड़ा सा प्लस की तरफ ले जाएंगे एंड ल्यूमिनेस को थोड़ा सा माइनस की तरफ, -15 तक। एंड ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करेंगे, सेचुरेशन को उसकी थोड़ा सा कम करेंगे, -10। एंड ल्यूमिनेस को बढ़ा देंगे 20 के आसपास, 20 to 15। एंड उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, डन पर क्लिक कर लेंगे एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर जाएंगे एंड इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 20 तक। डीहेज को कुछ नहीं करेंगे, विगनेट को यहाँ से हम माइनस की तरफ ले जाएंगे, -20। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे एंड इसकी शार्पनिंग है उसको यहाँ से प्लस की तरफ ले जाएंगे एंड नॉइस रिडक्शन को भी यहाँ से बढ़ा देंगे, ताकि फ़ोटो हमारी स्मूथ हो जाए। एंड लगभग से हमारा काम हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो बिफोर कैसी थी पिक्सार्ट के अंदर, एंड लाइटरूम में आने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो चुकी है। तो लगभग हमारा पूरा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया हुआ एंड इस फोटो को आराम से एडिट कर दिया। तो आप भी अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं इस टाइप से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ऐसी वीडियोज़ को आगे देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।